सो गुड नून टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी जो क्लास है वो VCR सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट पर ही चल रही है। पिछली क्लास में हमने कंप्रेसर या संपीड़क के बारे में चर्चा की थी, आज हम जो करेंगे वो कंडेंसर के बारे में करेंगे। कंडेंसर है जिसको संघनित्र कहा जाता है, और हम उसको देख लें एक बार फिर से, रिमाइंड करें कि संघनित्र है कहाँ या कंडेंसर कहाँ है। तो ये आप 2 से 3 के बीच में जो देख रहे हैं कंपोनेंट लगा हुआ है, ये हमारा कंडेंसर है। 2 में जो इनलेट है कंडेंसर का, वो हमारा हाई प्रेशर वेपर है जो कि कंप्रेसर से आ रहा है, और आउटलेट जो है वो हमारा हाई प्रेशर लिक्विड और सब कूल्ड, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, ये जा रहा है हमारा एक्सपांशन डिवाइस। सो दिस इज द प्रीवियस नॉलेज। कंप्रेसर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज हम कंडेंसर के बारे में पढ़ेंगे। इन कंपोनेंट के बारे में पढ़ने से हमको जो चाहिए वो ये चाहिए कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनके क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन में फिर कुछ पीसेज ऐसे हैं, कुछ टाइप्स ऐसे हैं जिनके कि आपको वर्किंग आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, यही आपके एग्जाम में यूजली आता है। तो ये पिक्चर हमने पिछली बार भी क्लास में देखी थी, इसको मैंने कॉमन रखा है चारों कंपोनेंट के लिए, और इसमें आपने, मैंने एक वीडियो भेजा था यूट्यूब से और आप लोगों ने इसको देख लिया होगा और नोट्स में भी पढ़ लिया होगा। अब हमको वही है कॉमन चीज कि ये पता हो कि कंडेंसर क्या है, इसके फंक्शन क्या है, पर्पस या डेफिनेशन और इनका वर्गीकरण। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज कंडेंसर। इस क्वेश्चन का हम जवाब लें तो कंडेंसर को हम थर्मोडायनेमिकली एक ऐसा सिस्टम मानते हैं जिसको हम बोलते हैं हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर या ऊष्मा विनिमय। कोई भी हीट एक्सचेंजर हो तो उसमें ये रहता है कि 2 फ्लूड रहते हैं, फ्लूड में भी लिक्विड और गैस, द डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। उसमें जो 2 फ्लूड होंगे उसमें एक हॉट होगा और एक कोल्ड होगा। हमारा पर्पज अलग अलग हो सकता है कि हॉट से कूल करना हमारा टारगेट हो सकता है, या कोल्ड से हॉट वाले को कूल करना हमारा पर्पज हो सकता है। VCR सिस्टम में दोनों ही है। अब हॉट और कूल को हम टर्म्स को तब चेंज कर लेते हैं इसी हीट एक्सचेंजर को जब हम बोलते हैं। जैसे हम देखें हमारे ऑटोमोबाइल में जो रेडिएटर है, रेडिएटर में जो कूलेंट फ्लो होता है वो इंजन से हीट लेकर के आता है और एयर के थ्रू कूल होता है। तो रेडिएटर इज आल्सो अ हीट एक्सचेंजर, बट वहां पर उसका पर्पस क्या हो गया, टू रेडिएट द हीट ऑफ इंजन टू द एटमॉस्फेरिक एयर, तो वहां पर हम उसको रेडिएटर बोलते हैं। Likewise, जब यहां पर हम बात करें संघनित्र या कंडेंसर, तो हीट एक्सचेंजर आप लोगों को समझ में आ गया है कि 2 फ्लूड होंगे, एक ठंडा होगा एक गर्म होगा। ये हमारे पर्पस पर डिपेंड करता है कि हम उसको ठंडा कर रहे हैं या गर्म। अगर टेम्परेचर में वेरिएशन होता है तो हम ठंडा गर्म बोलते हैं, लेकिन यदि फेस चेंज होता है तो हम उसको आइदर कंडेंसर और इवेपोरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कंडेंसर है इसका मतलब ये है कि हमारा आप जो टारगेट है, जैसा आपने पिक्चर में देखा, वो है रेफ्रिजरेंट। तो रेफरेंट को यहाँ पर क्या किया जाएगा, कंडेंस किया जाएगा। यहाँ पर हम कूलिंग टर्म यूज नहीं कर रहे हैं। 2 फ्लूइड होंगे, एक होगा रेफरेंट और एक होगा सराउंडिंग। सराउंडिंग में आपका वो हम टाइप्स में देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं। नॉर्मली एयर या वाटर, 2 ही हैं जो अपन ले सकते हैं। एयर नेचुरली अवेलेबल है, वाटर को हम सर्कुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हम देखें कि बेसिकली कंडेंसर इज अ हीट एक्सचेंजर, और स्पेसिफिकली कंडेंसर क्यों कहते हैं, हीट एक्सचेंजर क्यों नहीं कहते। सो हीट एक्सचेंजर इज अ ब्रॉड टर्म, उसके अंतर्गत जो आती है हमारी आती कंडेंसर, क्योंकि कंडेंसर में हम जो टारगेट है हमारा रेफरेंट उसको हम कंडेंस करते हैं। वी आर चेंजिंग द फेस फ्रॉम वेपर टू लिक्विड, हम वाष्प से उसको द्रव में संघनन करते हैं उसका। दिस इज कंडेंस, इट्स मेन फंक्शन इज टू कंडेंस, संघनन करते हैं किसका, हाई प्रेशर सुपर हीटेड वेपर जो कहां से आ रहा है, कमिंग फ्रॉम कंप्रेसर। तो किसमें करते हैं, हाई प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड
या उच्च दाब संतृप्त दाब, समटाइम्स इट में भी सबकूल्ड, तो उसमें हम कुछ एडिशनल लगाते हैं, सबकूलर लगाते हैं जो कि जा रहा है एक्सपांशन डिवाइस। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है, ब्रॉडर वे में बात करें सो कंडेंसर इज अ टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इन विच वी आर कंडेंसिंग द रेफ्रिजरेंट इन स्पेशली वीसीआर सिस्टम। यहां पर हम जो है रेफ्रिजरेंट जो हमारा है उसका हम संघनन करते हैं या उसको हम कंडेंस करते हैं, इसलिए इस हीट एक्सचेंजर को हम संघनित्र या कंडेंसर कहते हैं। तो आई थिंक अब कंडेंसर की डेफिनेशन आए तो आप यू विल बी मच मोर कंफर्टेबल कि आप बता सके कि कंडेंसर इज अ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर इन कॉमन टर्म आइदर हीट रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड। तो इस पर्टिकुलर इसमें ऐसा हीट एक्सचेंजर है जिसमें कि हीट को रिजेक्ट किया जाता है रेफरेंट से कूलिंग मीडियम को, कूलिंग मीडियम में भी एयर या वाटर। तो ये एक इसकी डेफिनेशन है, साथ में इसका फंक्शन भी लिख दिया है। स्पेसिफिकली इसके लिए जो यूनिट यूज की जाती है वो हमारी होती है कंडेंसर। जैसे इस पिक्चर में देखें, हम इस पिक्चर में हम ये देख रहे हैं कि जो रेफरेंट फ्लो हो रहा है ये ट्यूब्स में हो रहा है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर देखिए वेपर है, यहाँ पर आपका लिक्विड में कंडेंस होता है और यहाँ पर जो है कुछ फिल्स जैसे दिख रही है, मतलब एयर के द्वारा ये ठंडा हो रहा है। आप देख रहे हैं हीट बाहर की ओर निकल रही है। सो मेरे ख्याल से तो अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कंडेंसर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। सो हियर इट इज हीट एक्सचेंजर। कंडेंसर के बारे में जानने के बाद अब हम ये देखेंगे कि अभी हमने चर्चा की कि हीट एक्सचेंजर है जो सराउंडिंग को आइदर एयर और वाटर इसके माध्यम से कूल होता है। तो अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन द कूलेंट मीडियम हम इसको यूजुअली जो क्लासिफाई करते हैं वो करते हैं एयर कूल्ड कंडेंसर और वाटर कूल्ड। एयर कूल्ड आप लोगों ने आइस इंजन में भी देखा होगा कि एयर कूल्ड होते हैं वाटर कूल्ड होते हैं, बट वहां पर कूलिंग होती है, बट यहां पर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कंडेंसेशन। एयर कूल्ड कंडेंसर और ये होगा आपका वाटर कूल्ड कंडेंसर। एक तीसरे टाइप का और होता है जिसमें कि एयर और वाटर दोनों का हम उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं हम एवोपरेटिव या बाष्पीकरण। अब इसमें मैंने जो रेड कलर किया है, यूजुअली आप जब एग्जाम में पेपर देखें, आज देखना शुरू कर दीजिए आप, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के बाद फिर आप लोगों को समय नहीं मिलेगा कि आप मुझसे पूछे, फिर बाद में एग्जाम के पहले आप लिखेंगे सर इसका आंसर क्या है, तो मैं भी हेल्पलेस रहूंगा। तो आप अभी आगामी क्लास में पूछ लें। तो स्पेशली ये दो जो रखे हैं ये एग्जाम में यूजुअली देखे गए कि सेलेंट ट्यूब, आगे ये लिखेंगे क्या वाटर कूल्ड और ऊपर से क्या लिखेंगे कंडेंसर। तो कंप्लीट हम इस लाइन को पढ़ेंगे, सेल एंड ट्यूब वाटर कूल्ड कंडेंसर, या इसको हम बोलेंगे एवोपरेटिव या वाष्पित्र कंडेंसर, इसको बोलेंगे हम एयर कूल्ड या वाष्पशीतलक। एयर कूल्ड में आप देखें तो बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन की बात करें, कन्वेक्शन यानी होता है संवहन। हीट के मोड हम लोगों ने जो देखे ट्रांसफर के वो दो है, तीन है, कंडक्शन जिसको बोलते हैं संचलन, कन्वेक्शन जिसको बोलते हैं संवहन, और रेडिएशन जिसको बोलते हैं विकिरण। तो ये सेकंड नंबर का है, सेकंड नंबर कन्वेक्शन जिसमें कि फ्लूड के थ्रू होता है। तो ये यहां पर है फ्लूड हमारा आइदर इट में बी वाटर और एयर। सो नेचुरल कन्वेक्शन, जैसे कि नाम है इसमें नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन, तो इससे हमको ये समझना चाहिए नेचुरल कन्वेक्शन यानी कोई एडिशनल एफर्ट नहीं लगाया जाएगा। एयर जो होगी वो आपकी एयर कूल्ड है तो एयर होगी। एयर क्या होगी कि यहाँ पर आप देखें अपने घर के रेफ्रिजरेटर में जो होता है उसमें ये होता है कि घर के रेफ्रिजरेटर में जो पीछे की तरफ कंडेंसर होता है पुराने मॉडल में दिखता है, आजकल नए में नहीं दिखता है, तो उसमें आप देखेंगे कि वो जो है एयर नीचे से ठंडी वाली ऊपर की ओर उठती है, वो गर्म हो जाती है, मतलब गर्म होती है तो ऊपर की ओर उठती हुई जाती है, जबकि ऊपर से जो आती है वो ठंडी होने के कारण, भारी होने के कारण नीचे आती है। इस तरीके से नेचुरल कन्वेक्शन होता है, जबकि फोर्स्ड में यहाँ पर हम एडिशनली उसमें एक फैन का यूज करेंगे, जैसा आपने अपनी लैब में देखा था जो वीसीआर का ट्यूटर मॉडल था उसमें जो कंडेंसर लगा हुआ था उसके साथ एक फैन भी लगा हुआ था, या एसी के मॉडल में देखा था कि कंडेंसर के साथ फैन भी था। तो बोथ आर एयर कूल्ड, लेकिन एक नेचुरल जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर हमने देखा था और एक हमारा एसी जो हमने देखा था वो फोर्स कन्वेक्शन, या ट्यूटर का मॉडल देखा था वो हमारा फोर्स कन्वेक्शन। यहाँ पर देखिए हम वाटर कूल्ड में
वाटर कूल्ड के नाम अभी मैं बता रहा हूँ, इसकी डिटेल कंस्ट्रक्शन अपन देखने वाले हैं। डबल ट्यूब और ट्यूब इन ट्यूब, मतलब ट्यूब के अंदर ट्यूब। दूसरा है शेल एंड क्वाइल, शेल मतलब एक खोल होगी उसके अंदर क्वाइल होगी। तीसरा है सेल एंड ट्यूब, क्वाइल की बजाय ट्यूब होगी। और फिर इसके बाद है बास्केट। तो अब मैं आपको वन बाय वन लेकर के चलता हूं। यहां तक हमने क्लासिफिकेशन देखा है, अब हम इसकी बात करेंगे कि ये कंस्ट्रक्शन या इनका वर्किंग क्या होता है। तो वो जो हम मैंने कल वीडियो आपको भेजा था, उसी वीडियो पर मैं हाईलाइट करूंगा कुछ स्पेशल फीचर्स, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया है इंग्लिश में है तो कम समझ में आया होगा। यहाँ पर ये वाला देखें हम, तो हम जो देखते हैं वो इसको देखें तो आप पाएंगे कि इसमें नेचुरल कन्वेक्शन टाइप का है ये, इसमें कोई एडिशनल फैन नहीं लगा है। इसमें जो एक क्वाइल जा रही है, रेफरेंट यहां से अंदर जा रहा है, या आप देखते जा रहे हैं ऊपर की ओर जाता जा रहा है। यहां से ये जब ठंडा होगा, ठंडा मतलब लिक्विड हो जाएगा फेस चेंज करने के बाद, तो ये यहां से रेफरेंट आउट हो रहा है। रेफरेंट इन कहां से हो रहा है, ये कंप्रेसर के आउटलेट से, जबकि रेफरेंट आउट वाला कहां जा रहा है, एक्सपांशन डिवाइस के इनलेट। अब ये ट्यूब के आप देख रहे हैं यहां पर लगी हुई है फिन्स, या तो फिन लगी हुई है, जैसा हमारे आप लोगों ने एयर कंडीशनर में कंडेंसर में देखा होगा, कंडेंसर्स में यूजली होता है कि बाहर जो एसी स्प्लिट एसी में जो बाहर की तरफ दिखती है आपको फिन्स, मतलब अपने इंजन की फिन्स काफी थिक होती है, ये पतली होती है और एल्यूमिनियम फाइल की होती है। तो ये हमारी फिन्स जो लगी हुई है इनसे एयर टकराएगी, और फिन्स का पर्पज आप सभी जानते हैं इंजन में जो होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो कूलिंग उतनी जल्दी होगी। तो ये सिंपल सा फिगर है, इसको आप बना सकते हैं। नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड में आए, एक आप ट्यूब बनाइए, एक तरफ से रेफ्रेशन इन दूसरी तरफ से रेफ्रेशन आउट, और बीच में आप बना दें फिन्स। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट में चलते हैं, इसके बाद नेचुरल कन्वेक्शन के बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट वाला, तो वो आएगा आपको फोर्स्ड कन्वेक्शन। अब आप बोलेंगे ये फोर्स्ड है सर, लेकिन ये फोर्स्ड टाइप तो दिख ही नहीं रहा इसमें कुछ, क्योंकि फोर्स्ड में क्या होना चाहिए आपको, यहाँ पर फैन, एक फैन होना चाहिए जो कि इस पर सराउंडिंग से एयर लेकर के थ्रू करे पर्टिकुलरली इस पर, राइट। तो इसमें फोर्स आप एज्यूम करिएगा, फैन नहीं लगा हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि रेफरेंट इन हो रहा है और यहां से रेफरेंट आउट हो रहा है, और यहां पर ये जो लगी है, अब ये फिन्स पतली पतली ना होकर के प्लेट टाइप है, प्लेट टाइप भी होती है, प्लेट मतलब वर्टिकली आपको एक लाइन दिख रही है लेकिन साइड से देखेंगे तो आपको एक प्लेट टाइप दिखेगी। तो ये प्लेट फिन एंड ट्यूब, प्लेट फिन ये जो फिन्स है वो प्लेट फॉर्म में है और ट्यूब में थ्रो रेफरेंट इन हो रहा है और आउट हो रहा है, इसको हम प्लेट फिन एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर बोलेंगे। प्लेट फिन एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर की यदि हम बात करेंगे, फोर्स कन्वेक्शन में आप इसमें बताया नहीं गया है लेकिन एक फैन होगा, उस फैन के थ्रू जो है वो आउट होगा। तो ये फोर्स कन्वेक्शन में आप यहाँ पर एक फैन के द्वारा एक इस तरीके से फैन का जो सिंबल अपन ने ईडी में बनाया है वो बना दें तो वो अपना हो जाएगा फोर्स कन्वेक्शन, वो इसमें दिया नहीं है। तो एयर कूल्ड में अभी हमने इतना देखा है, अब यदि हम इसके बाद आगे चलते हैं वाटर कूल्ड की हम बात करें, तो वाटर कूल्ड में पहला हमने देखा था ट्यूब इन ट्यूब। ट्यूब इन ट्यूब में आप देखिएगा ये जो चित्र बता रहा है, डबल पाइप और ट्यूब इन ट्यूब, एक ट्यूब एक्सटर्नल है जिसमें कि रेफरेंट यहां से इन हो रहा है और एक्सटर्नली आउट हो रहा है, ऑफ कोर्स इट्स अ वेपर फॉर्म, और यहां से जो निकल रहा है वो लिक्विड, और जो कूलेंट है यहां पर, अब कूलेंट की बात करें तो चूंकि ये वाटर कूल्ड है तो अब एयर नहीं बल्कि इसमें हम वाटर को सप्लाई कर रहे हैं यहां से इन और यहां से चल रहा है ये आउट। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं कि चूंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पैरेलल फ्लो, साथ साथ चल रहा है पैरेलल। अभी ये ऐसा भी हो सकता है कि यहां से ये आ रहा है और आप कूलेंट को यहां से ले, ठीक है ना, पैरेलल हीट एक्सचेंजर के रूप में बोलेंगे हम, और दूसरा वाला जो बोलेंगे वो आपका अपोजिट में चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके करेक्टर में अभी जैसी मुझे याद आती है मैं रिमाइंड करता हूं, तो मैं आपको बता दूंगा एक पैरेलल और एक क्रॉस इज नॉट अ करेक्ट टर्म, जैसे मुझे रिकॉल होता है मैं आपको बताता हूँ। तो ये डायरेक्शन जो है इनकी पैरेलल भी हो सकती है या फिर आपके
एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकती है। तो चित्र आप देखिए, बहुत सिंपल से चित्र हैं इसमें। जब भी आप इनका वर्णन लिखें, लिख दें ट्यूब के अंदर ट्यूब है। तो सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप का हमने ट्यूब इन ट्यूब देखा था, सेकंड हमने शायद बात करी थी सेल एंड क्वाइल। अब हम इसके बाद सेकंड वाटर कूल्ड में आते हैं, उसमें हम देखते हैं सेल एंड क्वाइल। सेल एंड क्वाइल जैसे कि नाम है, इसी प्रकार की, इट्स कॉल्ड क्वाइल। ये जो है आपकी क्वाइल है, ये आप देख रहे हैं क्वाइल ही बनी हुई है। अब क्वाइल के अंदर जो होगा वो क्या चलेगा, आपका कूलेंट मतलब वाटर। गौर करें, वाटर कूल की कैटेगरी पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्वाइल के अंदर क्या होगा, आपका कूलेंट या पानी। और ये शेल जो है, शेल में ऊपर से आएगा वेपर, हाई प्रेशर वेपर, और इनसे जब पास होता हुआ जाएगा तो उसका फेस चेंज होगा और नीचे से आपको लिक्विड, हाई प्रेशर लिक्विड जो है वो आपका जाएगा कहाँ, एक्सपांशन डिवाइस। तो चित्र बहुत आसान है, इनको इस तरीके से बनाना आप केवल एक बार देखें, एक ब्लॉग बनाए यहाँ पर, एक छोड़ के नीचे से ऊपर से लाए, रेफरेंट इन, यहाँ से ले जाए आउट। इन में आप लिख सकते हैं वेपर, हाई प्रेशर वेपर, यहाँ पर थोड़ा सा और लिख सकते हैं कि हाई प्रेशर लिक्विड, यहाँ से कूलेंट की जगह पर आप यहाँ पर पानी लिख सकते हैं, कूलेंट वाटर इन, या कोल्ड वाटर इन, और यहाँ से हॉट वाटर आउट। तो ये सब वाटर कूल्ड, और इसमें एक आउटर वाला शेल है और अंदर क्वाइल है, तो सेल एंड क्वाइल। जब आप इतना समझ गए कि सेल एंड क्वाइल है, तो अब आप नेक्स्ट वाला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सेल एंड ट्यूब। तो अब क्या होगा, क्वाइल नहीं होगी, क्वाइल हम इसको क्वाइल बोलते हैं, जबकि ट्यूब ऐसी चलेंगी अपनी ओरिएंटल या वर्टिकल। तो अब नेक्स्ट वाले में आते हैं, ये चित्र बनाने को आता है, आप स्पेशली देख लीजिएगा, इस चित्र की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर इसके ऊपर चला के बताता हूँ आपको। तो थर्ड वन जो हमारा है वो है सेल एंड ट्यूब कंडेंसर। सेल एंड ट्यूब को देखें, तो ये जो आउटर की दो आप ओरिएंटल लाइन खींचे अपार्ट एक डिस्टेंस, यहाँ पर आप इस तरीके से इसको सेमी सर्कल से क्लोज कर दें। सेमी सर्कल से क्लोज के बाद यहाँ पर एक पार्टीशन दे दें, यहाँ से आपका चलेगा कूलेंट इन, और ये लगी हुई है ट्यूब्स, एक दो तीन यहाँ है, एक दो तीन यहाँ है। तो ट्यूब सीधी सीधी बना दें, एक ट्यूब्स को लेते हैं कि यहाँ से ठंडा पानी जो है वो आपका चलेगा, ये चला, और उसके बाद यहाँ से इस शेल से, शेल में, शेल के हेमिस्फेरिकल शेप में से निकल करके दूसरी ट्यूब से लेकर के और आउट हो जाएगा, यह मतलब कोल्ड वाटर रहेगा, यहाँ पर आपका हार्ड वाटर हो जाएगा। तो जो हमारा कूलेंट चल रहा है वो चल रहा है हमारा ट्यूब से। अब हम देखें कि यहां पर, जबकि ये जो शेल बना है बीच में ट्यूब के, यहाँ पर जो है ट्यूब के अलग वाला शेल, शेल मतलब खुला हुआ हिस्सा है, ये सिलेंड्रिकल सेल है, इसमें यहां से आपने रेफरेंट इन किया, हाई प्रेशर आपका क्या आ रहा है, रेफरेंट कहां से आ रहा है, ये कंडेंसर से, कंप्रेसर से, और यहां से लिक्विड बनकर के कहां जा रहा है, आपका एक्सपांशन डिवाइस में। तो इस तरीके से आप देखें, हाँ इसको मैं जो आपको रिकॉल हो गया मुझे कि वो उसमें आप देख रहे थे कि दोनों के जो डायरेक्शन थे सेम थे, तो उसको हम पैरेलल फ्लो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं काउंटर फ्लो। काउंटर फ्लो इसलिए कि रेफरेंट कहाँ आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर, जबकि ये जो काउंटर फ्लो में ये जो जा रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन से ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर जाने का पर्पज है कि लिक्विड जो वाला जो पोर्शन है वो अपने नीचे की तरफ है, और जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या हार्ड हो जाता है, तो ये ऊपर की ओर चला जाता है डेंसिटी कर्व। इसमें एक चीज और देखिए, टू पॉस सेल आप समझ गए, ये आउटर पेरिफेरी जो है वो क्या है आपकी सेल, और बीच में ट्यूब्स लगी है, दैट्स अ सेल एंड ट्यूब। इसका चित्र जरूर बनाइएगा, एग्जाम में आता है, कंस्ट्रक्शन जो मैं बोलता जा रहा हूँ वही है वर्किंग में। यहाँ से आपका लिखेंगे कि हाई प्रेशर जो है आपका, हाई प्रेशर रेफरेंट वेपर वो शेल के ऊपरी हिस्से से ट्यूब्स के थ्रू पास होता है, और ट्यूब्स के थ्रू पास होकर के ये अपनी हीट जो है वो कूलेंट को देख करके लिक्विड में कन्वर्ट होकर के बाहर निकलता है, जहां से ये एक्सपांशन डिवाइस में जाता है। जबकि कूलेंट जो है वो नीचे से हमारा आता है, ट्यूब्स में पास होता है, और फिर दूसरे हेमिस्फेरिकल एंड के थ्रू ये फिर से पास होता है। चूंकि ये दो बार पास हो रहा है, एक बार देखिए अब यहाँ से जा रहा है और एक बार यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर हमने पार्टीशन किया हुआ है जिससे कि सीधा ना जाए, तो इसको हम, चूंकि ये दो बार पास हो रहा है इसलिए हम इसको बोलेंगे टू पास सेल एंड ट्यूब टाइप। और एक और चीज लगा सकते हैं आप, वाटर कूल्ड कंडेंसर। अभी तक हमने जो बात करी, एयर कूल्ड दो प्रकार के, नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन, वाटर कूल्ड तीन प्रकार के, ट्यूब एंड ट्यूब या डबल ट्यूब, सेल एंड क्वाइल, एंड देन सेल एंड ट्यूब टाइप।
इसमें सेलेन ट्यूब में, अब आप क्वेश्चन देख लीजिए कौन से आते हैं, जहां तक मुझे याद है सेलेन ट्यूब टाइप इनमें से आता जरूर है कोई, तो वो जिस तरीके का आता हो आप उसको देख लें, उस पर स्पेशल ध्यान दें। ये सब आपके प्रश्न बैंक में या बुक में सब में दिए हुए हैं, अब आप लेकिन इसको पढ़ेंगे तो इतना आप समझ जाएंगे कि चित्र बना सकते हैं हम, इसके बारे में लिख सकते हैं। हिंदी वाले हिंदी की किताब पढ़ें, इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश की पढ़ें, इसमें कोई इशू नहीं है। सो लास्ट में जो हम आ रहा है कंडेंसर पर, अब वो हमारा है एवोपरेटिव, एवोपरेटिव या वाष्पित, यूजली कूलिंग टावर में बोलते हैं, पावर हाउस में कूलिंग टावर के रूप में यूज होता है ये। अब इसमें देखिए अब क्या होगा, इसमें यहां से हम पानी को स्प्रे करेंगे, राइट। रेफरेंट का सबसे पहले आप बनाइएगा क्या, क्वाइल। यहां से रेफरेंट देखिए एरो बना है, ये रेफरेंट आ रहा है आपका कंप्रेसर से, ये ट्यूब के थ्रू यहां से गया तो ये रेफरेंट यहां से और इसके बाद बाहर निकल गया, तो ये कौन सा हो गया, हाई प्रेशर लिक्विड, और कहां चला गया, एक्सपांशन डिवाइस। करना हमें ये है। अब इसमें हम यहां पर क्या डाल रहे हैं, इसमें वाटर, लेकिन वाटर ध्यान दीजिएगा कि ये वाटर नहीं बल्कि हम वी आर स्प्रेइंग, मतलब नोजल के थ्रू हम इसको स्प्रे कर रहे हैं, डॉट कंटिन्यूसली पानी को नहीं दे रहे हैं जैसे हम वाटर कूल में दे रहे थे, इसमें हम स्प्रे कर रहे हैं। तो स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे होकर के इसमें जो जाएगा, नीचे से हम यहां से जो स्पेस दिया हुआ है वहां से हम इसको एयर भेज रहे हैं। तो अब आप देखिएगा कि जब स्प्रे हो रहा हो और एयर हो, कभी कभी हम जब देखते हैं कि हमारे वाटर डेजर्ट कूलर जो हम घरों में यूज करते हैं, ऊपर से पानी हम ड्रॉप डालते हैं, वो तो ड्रॉप है और वहां से हवा जब आती है तो हमारे ऊपर पानी आता है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो एयर है ये वाटर ड्रॉपलेट का क्या कर रही है, एवोपरेशन कर रही है या वाष्पन कर रही है। और वाष्पन में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था मैथड्स ऑफ रिवोल्यूशन में, कि इसके ऊपर जो भी ड्रॉपलेट गिरेगा उसको वो अपने साथ उड़ा करके ले जाएगी, उड़ाएगी तो उसके बीच में जो हीट ट्रांसफर होगा वो कहां से हीट लेगी, रेफरेंट से, और हमारा रेफरेंट जो है वो फेस चेंज करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चित्र बहुत कठिन दिख रहा है बट लॉजिकली है कि एक रेफरेंट है इन, रेफरेंट है आउट, और यहाँ पर पानी है, पानी नोजल के थ्रू हम स्प्रे कर रहे हैं और यहाँ से एयर। अब आप देखेंगे इस पानी को लाना है हमें, तो पानी को लाने के लिए हम यहाँ पर एक सम्प बना देंगे, इसमें वो लगा देंगे कि पानी हमेशा बना रहे, फ्लोट लगा देंगे जो अपने वाटर कूलर वगैरह में भी होता है, डेजर्ट कूलर में होता है। इसके बाद यहाँ से हम इसको पंप की मदद से इस पाइप में डालते रहेंगे नोजल। ये पानी आप बोलेंगे कि जितना लेगा उतना एसी में आ रहा है, लेकिन कुछ एवोपरेट होगा इसलिए उसको मेकअप करने के लिए यहाँ पर पानी आते रहना चाहिए, कंटिन्यूसली हम कर देंगे। अब एयर की बात करें कि एयर नीचे से ऊपर कैसे जाएगी, तो वो कैसे जाएगी, यहाँ पर ये जो लगे हैं ब्लोअर, इन ब्लोअर के थ्रू हम सक करेंगे एयर को, तो ये एवोपरेटिव होगा। इसके लिए यहाँ पर मोटर लगाई हुई है। यहाँ पर ड्रिफ्ट एलिमिनेटर का मतलब मैं आपको समझा दूं कि यहाँ से जो पानी जा, यहाँ से जो एयर जा रही है वो अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट को लेकर के जा रही है, लेकिन वाटर ड्रॉपलेट जाना नहीं चाहिए तो वो इससे टकरा करके नीचे पानी आ जाएगा और केवल एयर बाहर होगी। तो ये एयर ब्लोअर है, एयर आउट है। ये वाला फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन है नहीं, आप लॉजिकल चले। एक ट्यूब, यहाँ पर स्प्रे, स्प्रे के लिए पानी चाहिए तो पंप के थ्रू वाटर सम्प लगाया, यहाँ से पानी लिया, ये स्प्रे हुआ। एयर चाहिए तो नीचे से एयर को ऊपर लेंगे, यहाँ पर ब्लोअर लगे होंगे, उसकी एक मोटर होगी, सक कर लेंगे, तो बीच में हम लगा देंगे ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। तो इस तरीके से ये हमारा एवोपरेटिव कंडेंसर। तो अभी तक मैंने जो आपको आज हमें जो पढ़ना था वो टाइप्स ऑफ कंडेंसर्स पढ़ना थे वो हमने यहाँ पर देखे हैं। इसमें एक चीज और हो सकती है, वो यदि हम देखें यहाँ पर तो कॉइल्स जो भी हमने देखी एयर कूल्ड में, एयर कूल्ड में कॉइल जो रहती है, प्लेट टाइप की फिन्स जो रहती है, एक स्पाइरल भी होती है। अब चूंकि देखिए अब मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ स्पाइरल की, तो वो आप उसका शेप जो है वो कुछ इस तरीके से जो मैकेनिकल क्लॉक में जो स्पाइरल्स बनते हैं हम इस तरीके से बना दें, इस तरीके से ये हमारी स्पाइरल कॉइल हो गई। कॉइल के अंदर क्या रहेगा, आपका रेफरेंट इन, राइट, और एक क्या हो जाएगा, रेफरेंट आउट। तो ये रेफरेंट आउट, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रेफरेंट इन। और अब हम यदि यहाँ पर देखें कि कलर में कुछ चेंज कर लूं, और इसमें हम यहाँ पर क्या लगा दें, अपनी फिन्स पतली वाली, ब्लैक कलर ले लूं ज्यादा अच्छा है। तो ये आपकी क्या लग गई है, फिन्स। तो ये हमारा जो है, एक मेरे नोट्स में लिखा हुआ है कि फ्लेट फिन या फिर स्पाइरल, तो ये स्पाइरल का फिगर है। इस तरीके से आप बना लें, पीडीएफ में जो मैंने नोट शेयर किए थे आप वो देख लें, इस तरीके से फिगर बना सकते हैं। तो आप कोशिश करें, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको बनाना आसान हो, अदरवाइज पीडीएफ वगैरह में तो सभी कुछ दिया हुआ है,
इस तरीके से हम देखें कि हमारा चैप्टर हो गया है और अब हमारे पास चूंकि समय भी हमारी क्लास समापन की ओर आ रही है, तब मैं स्पीकर भी मैं लेकर के चैट के थ्रू आप लोगों के सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। तो आप लोग अपने जो भी क्वेश्चन हो वो मुझे चैट पर भेज दें, या फिर मैं अनम्यूट कर दूं तो वन बाय वन जो आपको कन्वीनियंट लगे। मैं अनम्यूट कर रहा हूं लेकिन आप अवॉइड करिएगा, चैट के थ्रू देंगे तो मुझे देना आसान रहेगा, अदरवाइज वो बोलिए। हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए। हेलो सर, कल मतलब एक्चुअली मैं पेपर सॉल्व कर रहा था तो उसमें ऐसा आया था कि मेन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो उसमें कंप्रेसर, कंडेंसर, इवोपरेटर, एक्सपेंशन वाल्व आ जाएगी। लेकिन सर रिमेम्बर इट, मेन कंपोनेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन वेरियस कंपोनेंट सिस्टम, वीसीआर सिस्टम कंप्लीट नाम होना चाहिए। रेफ्रिजरेशन सिस्टम कई तरीके हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन भी है। अगर वो वीसीआर नहीं सर, उसमें रहता हां व्हीकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। हाँ वीकल एयर कंडीशन तो अपना वीसीआर पर राउट, यस ऑफ कोर्स। अब सर तो उसमें अब मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन उसमें कुछ एक्सेसरी एडिशनल कंपोनेंट होते हैं। ये बेसिक कंपोनेंट तो चार है, लेकिन अब आपका चूंकि कंप्रेसर रिसीवर देंगे तो क्या होगा, एक एक्यूमुलेटर भी मतलब वो रिसीवर भी होगा। इसके अलावा आप देखेंगे हाँ, रिसीवर होगा। इसके बाद में आगे बात करता हूँ, चूंकि मुझे ये मिल गया है तो मैं अभी से बात करता हूँ। रिसीवर होगा, दूसरा आपका क्या होगा, फिल्टर होगा, फिल्टर भी होगा उसमें। तो एडिशनल जो भी लग रहे हैं अपने, वो सारे के सारे जो है आप देख लें जो भी कंपोनेंट है, बट ये चार के बिना वीसीआर सिस्टम काम नहीं करेगा। इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग यदि हम बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग होने के कारण वहां पर रिसीवर का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पल्सेटिंग फ्लो मिलता है हमको। जैसे आप लोगों ने देखा ना साइकिल वाले क्या जो बढ़ता रहता है, साइकिल वाले क्या इतना बड़ा सिलेंडर रखा रहता है, मतलब स्टोरेज टैंक होता है जिसमें की एयर होती है। तो एक जैसी एयर के लिए ये रेसिप्रोकेटिंग साथ जरूरी है। और आपके पास एक्सपेंशन वाल्व के पहले एक वो भी होगा, ड्रायर भी होगा जिसमें के मॉइस्चर एयर हो। तो ये एक्सिलरी कंपोनेंट्स है। तो आप वीसीआर सिस्टम के बारे में जब भी लिखें या व्हीकल एयर कंडीशनिंग में, मैडम ने आपको पढ़ाई दिया है, काफी अच्छे फिगर भी बनाए मैंने देखे हैं, तो उसमें अब आप इन कंपोनेंट को लो और एडिशनली जो जुड़ते जाए। आप कल मैं जब शुरुआत करूँ तो आप सबसे पहले आ जाइएगा, सब लोग आ जाए पहले, तो फिर अपन उस पर डिस्कस कर लेंगे कि कौन से कंपोनेंट का मतलब पता नहीं लग रहा। जैसे एक होता है एक्यूमुलेटर, वो हम भी एक्सपेंशन डिवाइस में डिस्कस करेंगे कि एक्यूमुलेटर क्या होगा। यस, कोई चैट के थ्रू बात करना चाहता हो? मयंक इज इट ओके, क्योंकि आवाज मैंने जैसे ही खोली थी तो काफी डिस्टर्बेंस होने लगा था, तो आप चैट के थ्रू रिस्पॉन्स कर सकते हैं। आपको व्हीकल एयर कंडीशनिंग में जो भी सिस्टम है, मैंने कुछ नाम लिए हैं, रिसीवर, ड्रायर, एक्यूमुलेटर, ये कुछ टर्म्स में यदि कोई इश्यू हो तो मुझे बताइएगा, या कोई और नाम जो मैं यहाँ पर नहीं बता पा रहा। यस, आप लोग चैट के थ्रू मुझसे मिल सकते हैं, बोलिए। टोटल 14 लोग हैं, मेरे ख्याल से सभी ने अपने अटेंडेंस के रोल नंबर मेरे को चैट में डाल दिए होंगे, यदि नहीं डाले हों तो वो डाल दें, मैं 14 काउंट करूंगा। अभी भी आप लोग डाल दें, राइट right?